हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने इंसाइट क्वेश्चन में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एलटीसी से भर्ती के संबंध में एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसमें यहाँ पर जो है 1300 पदों पर भर्ती करने के लिए यहाँ पर ऐलान किया हुआ है शिक्षा मंत्री ने, और इसको लेकर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान भी जारी किया हुआ है। और आपको बता दो कि यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर पद आने वाले हैं, क्यों आने वाले हैं और यहाँ पर कौन से पद यहाँ पर आने वाले हैं, उसके संबंध में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि उत्तराखंड में जो है शिक्षा मंत्री ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस पर जो है शिक्षा विभाग के मंत्री ने एक बयान जारी किया है 1300 पदों को लेकर। और उसका जो वीडियो है मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में दिखा दूंगा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूलों की तर्ज पर जो है यहाँ पर अब उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले सरकारी स्कूलों में भी यहाँ जो है शारीरिक शिक्षा विषय को जो यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 तारीख को यहाँ पर एक ऑफिशियल यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। मैं आपको दिखा दूंगा अभी कि जो शारीरिक सब्जेक्ट वाले हैं शिक्षक, उनकी जो है भर्ती होगी और यहाँ पर जो विषय है उसको जोड़ दिया गया है, क्योंकि CBSE की तर्ज पर जो सरकारी स्कूल हैं, जो आदर्श वाले स्कूल हैं, तो उन पर जो है यहाँ पर शारीरिक विषय जो है लागू कर दिया गया है। और ऐसे में जो है यहाँ पर इस फैसले में MPED कर चुके हजारों शिक्षकों को जो है यहाँ पर लाभ मिलेगा। अब वे भी यहाँ पर जो है शारीरिक शिक्षकों के तौर पर जो है अपनी सेवाएं दे सकेंगी। और वहीं अरविंद पांडे ने जो है बताया कि शारीरिक शिक्षक विषय को जो है प्रदेश के सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी जो है शामिल किया जा रहा है। ऐसे में जो है यहाँ पर राज्य सरकार जल्द ही जो है प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के लिए लगभग जो है 1300 पदों पर जो है शारीरिक शिक्षकों की भर्ती करने की तैयारी कर रहा है। और इस तरह जो है बीते कई सालों से जो है डिग्रियां लेकर जो है यहाँ पर बैठे हजारों बेरोजगार शिक्षकों को जो है रोजगार मिल सकता है। तो यहाँ पर 1300 पदों की बात करी गई है और ये जो है आपका जो पाठ्यक्रम है, क्योंकि यहाँ पर शारीरिक विषय जोड़ दिया गया है, इसका ऑफिशियल मैं आपको अपडेट दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से जो यहाँ पर 8 सितंबर को जो है यहाँ पर जो व्यवसायिक शिक्षा विषय है उसको यहाँ पर जोड़ दिया गया है। और इसमें भी आप लोग देखते हैं यहाँ पर तो शारीरिक विषय जो आपका होगा, जो शिक्षक विषय रहेगा आपका शारीरिक विषय वाला, तो 9 से लेकर 12 तक के विषय एक यहाँ पर पाठ्यक्रम के रूप में जो है शासनादेश के अनुसार जो है सम्मिलित किया जा चुका है। तो यहाँ पर जो है इसी वजह से जो है आपकी भर्तियाँ निकलेंगी, लेकिन फिलहाल कब तक निकलेंगी ये कहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने जो बयान जारी किया है, लगभग 1300 पद पर जो है यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन वालों की जो भर्ती है वो निकाली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके लिए जो है 9 से लेकर 12th तक के जो यहाँ पर बच्चे हैं उनको फिजिकल एजुकेशन की शिक्षा भी देनी है। तो इसी वजह से 1300 समथिंग निकालनी है। लगभग जो है हर एक विद्यालय में एक एक जो है शारीरिक विषय के जो अध्यापक हैं उनकी नियुक्ति करनी है। तो इसी वजह से 1300 के समथिंग यहाँ पर शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि लगभग जो है 1300 पद हम यहाँ पर निकालेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको दिखा दूंगा।